भाई जो आज जैन चौधरी जी आए थे उसका जो खाना बचा था, तो उस खाने को हम आज अभी गायों को खिलाने जा रहे हैं, मैं और भैया। तो इनको देखो भाई, तो देखो यहाँ पे ऑटो वाले जा रहे हैं। तुम्हारे दे दे। कॉल आ रहा हूँ अभी, है तो ये खाना हम सभी को बाहर वो ले जाओ। से निकल चुके हैं प्रसाद को बांटने के लिए, तो हम जो भी गरीब हमें दिखते हैं, गरीब नहीं है तेरे के, गरीब बस के यानी जो जरूरतमंद है, जरूरतमंद है यहाँ ले लो। ये राम जी बोलो, अपने सादा वाला अड्डे तक जो खाना बांट के आए हैं, उसके बाद वो खाना जो हम लेके गए थे वो खाना बढ़ चुका है, तो उसके बाद हम दोबारा जा रहे हैं। मेरा भैया दोबारा वापस खाना भैया, अभी खाना खत्म हो गया, अभी कितना और बचा हुआ है अभी हमारे पास, काफ़ी खाना बचा हुआ है, तो एक हज़ार पैकेट हो गया अभी, तो अभी हम पूरा ये चौराहा है वो पूरा कवर कर सकते हैं अभी, दोबारा से वापस चल दिए हम बांटने के लिए। अभी हम यहाँ पे राया रोड करने पे हमारी बाइक चला रहे हैं, तो भैया कैसा फील हो रहा है? बढ़िया, सुकून सा मिलता है कुछ अच्छा काम करने के बाद। नुकसान ही है, खाना बिगड़ रहा है, खाना बिगड़ जाता तो हमने सोचा कि खाने को कहीं ना कहीं ऐसी जगह यूज किया जाए जो जरूरतमंद लोग किसी को खाना मिले। खाना भी नहीं हो साहब है भैया, देखो नोट दे दो, और दुकान पर अब हम आ चुके हैं ईदगाह कॉलोनी में अंदर, तो यहाँ पे जो भी मिलेगा हम उसको बांटेंगे प्रसाद। भाई अब हमने कवर कर लिया, राया रोड हो गया हमारा कवर और भद्रा रोड कवर हो गया, अब हम चल लिए प्रसाद बताए भाई, अगर कोई भी हो तो हमारी वीडियो देख के आ जाना, ले जाओ तो वैसे भी आप जब तक वीडियो देखोगे तब तक हमारा प्रसाद बढ़ चुका होगा, हम वैसे जितना कोशिश होगी हम सबके पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ले भैया ले ला ले अरे ओ हमें तो क्या हाल है, ये वाले अब हम आ चुके हैं ग्राम मनस्या में,
तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले मिलने हैं कान्हा भैया से, उसके बाद प्रसाद वितरण का काम शुरू करेंगे। भैया हमारे एकदम शांति से गलियों में, कुछ गलियों में निकालते हैं गाड़ी को। ओवर लग गई, खाना बचाना है, क्या करें। हमारे पुण्य का काम हो रहा है भैया। हम आ चुके हैं मनसा में भैया के पास। दूध पीएंगे हो? देखो भैया दूध ले ले, अपन समय का धन्यवाद करता हूं भैया। देखो जगह अरे दूध पीएंगे हो? जो दूध लाट दे रही है, जरा दूध की मिलावट नहीं है, काम से काम चल रहा है, शुद्ध देसी। तो भैया कुछ कहना चाहोगे? भैया बढ़िया है सब, ठीक है। तुम हां तुम्हें मच्छर पड़े हो भैया, कुछ कहना चाहते हैं? वोट भैया किसी पे दो, किसी वोट है, वोट किसी पे दो, वोट ना वोट डालना है, वोट ना वोट भैया। कहां जा रहे हो? मैं बाहर में आता है, अरे माता है भाई। हम आ चुके हैं वापस मनसा से अपना प्रसाद वितरण करके, तो अब हम वापस मेरी जो पे आ चुके हैं। तो इतना खाना बेस्ट हुआ है कि अब भी 5 रुपए बचे हैं। हमने सोची है जो गैया है सब डाट देंगे, अब भैया माता खा लेंगी। तो भाई एक चीज में सबको बता, तो भाई और एक चीज में सबको बता दूं कि जो हमने प्रसाद वितरण किया है उसका कोई चुनावी प्रचार से कोई हमारा संबंध नहीं है। ये एक प्रसाद की तरह था, हमने प्रसाद समझकर ही उसे वितरण किया है। जिसका जहां मन हो वो वहां वोट करे, हमारा वोट से कोई मतलब नहीं है। तो भाई जय सिया राम, बाय बाय, धन्यवाद। हम क्षेत्र में घूम के तो आए, हमें पता चल कहाँ वोट पड़ रहा है। उम्मीद जी पता है कि 7 मई को बड़े बड़े नेता ना है, उन्हें झटका लगे हो जब वोट कहाँ पड़ रहा है। ठीक है भाई, बोल बाके बिहारी लाल की जय। समझ जाओ रे।